देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूव की, और बैंक निफ्टी में कौन से आज जो सपोर्ट थे ब्रेक हुए, जो हमने कल लेवल की जो बात की थी वहां से बैंक निफ्टी किस तरह से रिवर्स हुआ, या फिर कौन से हमको ट्रेड मिले, आज हमने कौन से ट्रेड लिए, उन सबकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की डेली वीडियो डालते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है काफी हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए आज बैंक निफ्टी ने जो है समझ लीजिए एक रेंज बाउंड में ही रहा। रेंज जो है हम 12 बजे के बाद से जो है बैंक निफ्टी में नीचे गिरना चालू हुए, और जो है वहां पर हमको एक वन साइडेड मूव मिली थी। बाकी टाइम हम जो है ज्यादातर टाइम हम जो है आज साइडवेज ही रहे। तो यहां पर जो देखिए आज बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो 29728 की हुई थी। हाई जो लगा आज बैंक निफ्टी का ये 29810 का लगा, और इसका जो लो लगा आज ये 29381 का लगा। तो कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो आज 400 पॉइंट्स के मूव में ही घूमती रही, 400 पॉइंट्स में कभी ऊपर कभी नीचे, बस यही आज बैंक निफ्टी में जो है आज मूव रही। कोई खास मूव नहीं देखने को मिली जैसा कि आज एक्सपेक्ट किया गया था, कि मतलब यहाँ पर डाउनफॉल के लिए एक्सपेक्ट किया गया था। देखिए ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में जो ये रेंज यहाँ पर तैयार हो रही है, मैं आपको यहाँ पर रेंज दिखाने की कोशिश करूंगा। रेंज यहाँ पर देखिएगा, ये जो रेंज देखिए बैंक निफ्टी में ये जो यहाँ पर तैयार हो रही है, तो अब इस रेंज को हमने ब्रेक होने देना है। इस रेंज को ब्रेक होने के बाद अब हम यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए देखेंगे, पोजिशनल ट्रेड के लिए। अब ये देखिए रेंज बन चुकी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मोर देन 2 वीक्स से यहाँ पर जो है सस्टेन कर रहा है, एक रेंज में फंस चुका है। और यहाँ पर जो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर जो RSI जो है वो यहाँ पर जो है नेगेटिव हो चुका है। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको RSI यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये तो देखिए यहाँ पर जो है RSI जो है यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर देखिए कंटिन्यू एक ही लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए बैंक निफ्टी में जो एक डाउनफॉल आ सकता है, सो अलर्ट रहिए। अगर आप बाइंग साइड में है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर पिछले डे का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेड करिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड किया। देखिए मैंने जो भी ट्रेड थे आज सारे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू मैं आपको पोस्ट करते रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है उन चार्ट के को देखकर अपना व्यू बनाकर आप लोगों ने वहां से आज अच्छा पैसा बनाया भी होगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं कंटिन्यू चार्ट्स की जो है अपडेट्स वहां पर इंट्राडे में देता रहता हूं। वहां पर मैं स्टॉक्स की भी आपको जो है व्यू बताते रहता हूं कि कौन से स्टॉक्स अभी जो है ब्रेकआउट लेवल पर हैं, या ब्रेक कर चुके हैं, या फिर मैं किसमें पोजीशन बनाने जा रहा हूं, वो सारी चीजें मैं वहां पर जो है डिस्कस करता हूं टेलीग्राम चैनल में। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आज बैंक निफ्टी में किस तरह से आज मूव हुई। तो ये मैंने 30 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल यहां पर बेयरिश यहां पर दिखी थी, देखिए यहां पर एक गैप अप ओपन हुआ था। तो गैप अप ओपन से यहां पर जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 29680 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। देखिए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में ले जाता हूं और उसके बाद फिर बताता हूं। देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था 29680, ये जो लेवल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए एक हर्डल का काम करेगा। 29680 के ऊपर निकलने के बाद ही हम यहां पर बाइंग साइड या सेलिंग साइड में जाएंगे। उसके बाद देखिए मैंने आपको वहां पर एक चार्ट बनाकर पोस्ट किया था। पहला चार्ट जो मैंने आपको पोस्ट किया था वो चार्ट मेरा कुछ इस तरह का था, मैं आपको यहां पर बना के फिर दिखा देता हूं। वो इस तरह का मेरा कुछ चार्ट था, ये देखिए ये मेरा चार्ट था, और मैंने आपको यहां पर एरो बता के दिया था कि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो आप यहां पर ऊपर के लिए जो है कॉल साइड बाय कर सकते हैं, या फिर पुट सेल कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए इसने जो है जब ये लेवल ब्रेक किया, इसने 29660 के आसपास का लेवल ब्रेक किया, उसके बाद देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, और इसने जो हाई लगाया वो हाई लगाया 29810 का। तो हमको यहां पर 150 पॉइंट्स जो है बहुत इजीली मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस ट्रेड में जो है काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे। उसके बाद फाइनली यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर 29800 का ये जो हर्डल था, जैसा मैंने कहा आपको यहां पर एक बताया भी था कि 29660 के 29800 और 29900 आपको ये हर्डल मिलेंगे। तो इस हर्डल के आसपास देखिए यहां पर बैंक निफ्टी ने जो है यहां पर कंटिन्यू हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, और उसके बाद से जो है हायर हाई बनने बंद हो गए। और यहां पर देखिए फाइनली जब ये लेवल ब्रेक हुआ 29750 का लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद मैंने यहां पर चार्ट भी आपको बनाकर पोस्ट किया था कि नीचे का एरो बताया था ऊपर का ही बताया था। तो फाइनली नीचे का जो एरो था हमारा, नीचे का ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट हुआ, और फाइनली देखिए कंटिन्यू वन साइडेड मूव में चला। ये जो चला हमारा देखिए हमको 12 बजे के आसपास यहां पर ट्रेड मिला था, और कंटिन्यू देखिए कितना अच्छा एक डाउनफॉल यहां पर देखने को मिला। और फाइनली अगर हम यहां पर देखेंगे तो 1 बजे के बाद मार्केट साइडवेज हो गई। ये देखिए यहां पर मैं आपको चार्ट अभी ड्रॉ कर ये दिखा देता हूं। ये देखिए अब यहां पर मार्केट देखिए कंटिन्यू यहां पर देखिए हाँ ये देखिए यहां पर बिल्कुल साइडवेज हो गई थी। और मैंने देखिए आपको बताया भी था कि अगर आपको आसपास यहां पर
अगर मिलता है तो यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली देखिए हमको वन टाइम टू टाइम हमको 2 बार यहाँ पर बाइंग के ट्रेड मिले, और फाइनली देखिए आज प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े तो नहीं मिले, देखिए 2-3 ट्रेड में हमको आज अच्छे प्रॉफिट मिले बस, बट 2-3 ट्रेड में हमको बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट मिले। देखिए वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है, आपने जो है अपना एंड ऑफ द डे आप ग्रीन में हैं कि नहीं है, ठीक है। सो डेली प्रॉफिट नहीं, बड़े प्रॉफिट नहीं होते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी कभी देखिए यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है आपको, इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। कभी कभी आपके 100 की ऑप्शन 500 रुपए की भी हो जाती है, कभी कभी आपके 100 की ऑप्शन जो है 110 120 पर भी आपको बुक करना पड़ जाता है। सो यहाँ पर सारी पेशेंस की गेम है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए अब कल क्या करना है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आज तो जो हुआ उम्मीद करता हूँ सबने अच्छे पैसे बनाए, जो हुआ चलिए सबने ट्रेड किया होगा अच्छे पैसे बनाए होंगे, किसी ने लॉस भी किया होगा। अगर लॉस किया है तो फिर आज आप जो है ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए, कल की स्ट्रेटजी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखिए बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ पर कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई बनते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लोअर लो बनने बंद हो चुके हैं, लोअर लो बनने बंद हो चुके हैं, और यहाँ पर कंटिन्यू एक ही लेवल पर बार बार सस्टेन कर रहा है। अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमारे लिए एक ऊपर से हमने हमारी ट्रेंड लाइन आ गई है। अब देखिए हमको कल क्या करना है, कल हमको बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब यहां से अगर कल ये मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहां पर आप क्लियर कट ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर मान लीजिए आपको यहां पर एंट्री मिलती है 29,500, देखिए एक चीज का और ध्यान रखिएगा 29,500 के ऊपर की क्लोजिंग जरूर आने दीजिएगा, उससे पहले ट्रेड मत करिएगा। अगर उससे आप पहले ट्रेड करेंगे तो आप यहां पर मे भी ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। ये 29,540 का मैंने लेवल ड्रॉ किया है, 29,540 के ऊपर इसको एक बार क्लोज होने दीजिएगा 5 मिनट की कैंडल। 29,540 के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तो हमारा यहां पर पहला टारगेट जो होगा वो होगा 29,650 का, और दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 29,730 का, और तीसरा टारगेट जो होगा 29,820 का होगा। ये ऊपर की तरफ के टारगेट होंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, मैं आपको यहां पर 15 मिनट का चार्ट में लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं, क्योंकि नीचे से जो यहां पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये देखिए ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखिए यहां पर पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहां पर कल सपोर्ट लिया था इस ट्रेंड लाइन पर, और मे भी यहां पर देखिए ये अगर कल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फिर फ्लैट ओपनिंग में ही नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। बट यहां पर आपको वेट करना है, देखिए इस ट्रेंड लाइन के बाद हम बाय करेंगे अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमको मिलता है, क्योंकि यही ट्रेंड लाइन से देखिए कंटिन्यू बाउंस बैक हो रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आके सेम ट्रेंड लाइन पर जो है इसने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक हुआ, ठीक है। और इसके बाद फिर देखिए तीसरी बार कल के सेशन में देखिए यहां पर जो है इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हुआ था, तो मे भी देखिए यहां पर एक बार आपको वेट करना है। अगर अगर यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 29,484 की जो है आज की क्लोजिंग है, अगर यहां पर 200-300 पॉइंट्स की जो है गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट आपको 29,300 के आसपास मिलती है तो यहां पर आपको जो है कुछ वेट करना है, कुछ मतलब बाइंग कंफर्मेशन के लिए, लाइक डोजी कैंडल हो गई, लाइक हैमर कैंडल हो गई, लाइक वहां पर कुछ टाइम सस्टेन हो, सस्टेन होने के बाद वो एक रेंज ब्रेक करे, उसके बाद यहां पर आप जो है ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो गैप डाउन ओपनिंग में आपको इस लेवल के आसपास जो है बाइंग करनी है, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद आपको यहां 29,540 के ऊपर जो है बाइंग करनी है। अगर मान लीजिए यहां पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो गैप अप ओपनिंग में आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट क्या करना है, वेट आपको करना है प्राइस एक्शन का। यहां पर देखिए यहां पर मैं अगर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो इस तरह से ट्रेंड लाइन देखिए ये आ रही है। अगर मान लीजिए यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है बैंक निफ्टी तो यहां पर आप सेल का ट्रेड बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक बड़े फिगर की, ठीक है। अब मैं यहां पर 30 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और एक बड़ा फिगर मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। अब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई हुई है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है कल की डेट में, कल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम एक बड़ा डाउनफॉल हमको देखने के लिए तैयार रहना है। पुट साइड में हमने ट्रेड बनाने हैं या फिर कॉल सेल करके चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है अभी इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये जो है सपोर्ट का काम कर रहा है ये ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन के को पर आपको नजर बना के रखना है, इसको अपने रडार पर रखिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमको यहां पर बहुत अच्छा एक टारगेट मिल सकता है। हमारा यहां पर टारगेट कम से कम 29,800 के आसपास, देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है,
ब्रेक होने के बाद हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 28,950 का, और दूसरा जो टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर 28,650 का। ये 28,950 के बाद हमको ये 200-250 के जो मूव है इस लेवल के बाद, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लेवल, ये देखिए, ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा क्लियर कट, ये देखिए मैं आपको ये दूसरी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, ये जो है यहां पर, ये देखिए, ये लेवल अगर ब्रेक होता है 29,950 का लेवल कल ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, तो हमारा यहाँ पर 200-250 की जो है यहाँ पर हमको जो टारगेट जो है, जो हमारा मूव है, क्लियर कट मिलने वाला है। इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के, ये ही ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए जो है मेन, जो हम कल काम करने वाले हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मे भी यहां पर पूरे पूरे चांस हैं कि यहां पर इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। बट यहां पर कंफर्मेशन के बाद ही जो है आप ट्रेड करिएगा। अगर आप जो है मतलब कुछ कंफर्मेशन चाहते हैं कि किस तरह से हमने बाइंग करनी है, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं कंटिन्यू वहां पर मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ इंट्राडे के लिए, किस तरह से ट्रेड बनाना है। सो अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो चलिए अब हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी खोल लिया है। अब यहाँ देखिए एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ये देखिए एक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन को हमने अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। या तो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो, या फिर ये 590 का जो लेवल है ये नीचे की तरफ ब्रेक हो, तब हम इसमें जो है बाइंग या सेलिंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इसने जो है कल एक हैमर कैंडल बनाई थी, बट वो रेड कलर में थी, आज की हैमर कैंडल ग्रीन कलर में है। तो यहां पर हमको जो बाइंग करनी है वो 300 379 के ऊपर यहां पर बाइंग करनी है। हमारा यहाँ टारगेट रहेगा 383 और 387। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक यहां पर देखिए ये जो मैंने आपको लेवल बताया था कि ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 61.5 का, तो फाइनली देखिए मैंने आपको बताया था 61.5 की क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। क्लोजिंग जो है 62 की आई, 62 के बाद आज देखिए ये जो कैंडल आज बनी हुई है यहाँ पर एक ऊपर की तरफ तो गया था, बट यहाँ पर ऊपर से देखेंगे अगर, अब तो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। अभी यहाँ पर फेडरल बैंक में आप रहने दीजिए, बिकॉज ये 100 रुपीज के बिलो का स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक्स में जो है ट्रेड ना करें तो ही ठीक है। कम से कम आपको 300+ के प्लस में स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। SBI को आप कर सकते हैं, बिकॉज SBI में वॉल्यूम जो है अच्छा होता है। अब देखिए HDFC बैंक, HDFC बैंक में कल अब मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बताया था कि अगर 1403-1400 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर देखिए 1400 नीचे की क्लोजिंग आई और यहाँ पर जो लो लगा 1374 का लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस स्टॉक में अच्छे पैसे बनाए होंगे। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, इन दोनों में अभी हमको जो है कुल सेल के लिए अभी नहीं देखना है, बिकॉज ये दोनों मेरे को अभी काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। इसको हम सेल के लिए देखेंगे 465 रुपए की क्लोजिंग के नीचे, अदरवाइज इसमें अगर बाइंग करनी है तो 490 के ऊपर हम यहाँ पर जो है बाइंग का ट्रेड कल के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक भी देखिए, कोई यहां पर खास गिरावट नहीं आज की डेट में भी, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इंडसइंड बैंक देखने में स्ट्रांग लग रहा है। यहां पर आज कोई खास गिरावट नहीं, कुछ नहीं, जहां से समझ लीजिए एक डोजी कैंडल बनी है, जहां से ओपन हुआ था उसके आसपास ही यहां पर कहीं क्लोजिंग आई है। यहां पर बाइंग के लिए आप देख सकते हैं 910 रुपए के ऊपर, 910 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। 920, 930 और 940 यहां पर हमारे कल के टारगेट होंगे। नेक्स्ट हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक देखिए अभी यहां पर एक सपोर्ट लेकर यहां पर खड़ा है, ये देखिए मैं आप जरा चार्ट को ध्यान से समझिएगा। अभी ये देखिए मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद थोड़ा सा नीचे करेक्शन हुई, ठीक है। तो यहां पर ये जो है इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इसलिए मार्केट यहां से नीचे की तरफ आया और फाइनली यहां पर ब्रेक करके गया। अब ये जो रेजिस्टेंस था, अब देखिए यही रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन गया है इसके लिए, ठीक है। मैं आपको यहां पर 30 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको 30 मिनट के चार्ट में लेकर आ गया हूं। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट के रूप में देखिए यहां पर काम करना है। अगर आपको यहां पर कल बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए देखिए हमको यहां पर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 1830 के ऊपर यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। यहां पर हमारा टारगेट जो रहेगा 1840 और 1850 और 1840 1850 और 1870 का यहां पर हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को जो है कोटक महिंद्रा को जो है आप कल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 1850 रुपए के ऊपर, 1840 रुपए के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर देखिए जो रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट है और उसी के आसपास ये ट्रेडिंग कर रहा है। अगर कल ये 1809 रुपए के नीचे ट्रेडिंग करने लगता है तो आप इसमें जो है सेलिंग की तरफ हम इसको प्रेफर करेंगे, बट इसको अभी जो है मतलब अभी सेलिंग के लिए हम नहीं देख रहे हैं। 1800 रुपए के नीचे जब क्लोजिंग आ जाएगी तब हम इसको सेल के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक देखिए यहां पर मैंने आपको ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करके बताया था,
ये देखिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा है। और फाइनली देखिए रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ आया था, बट यहां पर मेरे को बायर जो है स्ट्रांग लग रहे हैं। अब यहां पर देखिए जी, यहां पर जो लेवल है वो 236 के ऊपर, 236 के ऊपर की क्लोजिंग इसको जो है 240, 245 और 250 तक लेकर जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 236 रुपए के ऊपर जब कोई कैंडल आपको क्लोज होती हुई दिखे उसके बाद आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आप जो है इसको 226 रुपए के नीचे देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज बहुत अच्छा किया, मैंने कल आपको बताया था 253 के ऊपर इसको बाइंग करने के लिए और फाइनली देखिए आज इसने जो हाई लगाया वो 259 का लगाया। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि मतलब एक अच्छी मूव हुई, 6 रुपए हमको यहां पर बहुत आसानी से मिल गए, मोर देन 3% यहां पर हमको आसानी से मिल गया। देखिए एक लॉजिक होता है किसी भी ट्रेड को करने के लिए, आप वहां पर क्या देखते हैं, उस चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, आप उसका डाटा देख रहे हैं तो उस डाटा में क्या देख रहे हैं, तो ये सब चीजें होती हैं जिसको आप देखकर ट्रेड करते हैं। हम भी जो है, देखिए मैं भी जो ट्रेड करता हूं